हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चटोरी ज़ुबान। तो आज हम बनाएंगे छोला मसाला ग्रेवी। खाने में जितना टेस्टी, बनाने में उतना ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। छोले मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप बॉयल्ड छोले लिए हैं, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 3 टमाटर और 2 प्याज। एक चॉपर लेंगे, इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं, चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब टमाटर को भी प्याज की तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट इस तरीके से बनाएंगे तो ग्रेवी अच्छी बनती है। देखिए, प्याज और टमाटर दोनों बिल्कुल बारीक चॉप हो गए हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने 1 तेज पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन सबको डाल के अच्छे से खुशबू आने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। खड़े मसाले भून गए हैं, अब हम ये बारीक चॉप करी हुई प्याज डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। इसमें थोड़ी सी हम हींग डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। अब हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच छोले मसाला पाउडर। आप चाहे तो गरम मसाला भी ले सकते हैं। अगर आपको छोले मसाला नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला भून गया है, अब हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करें। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और अच्छे से मिक्स करें। मसाले को थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। मसाले को तेज छोड़ने तक पकाएं। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, एक बार इसे मिलाएं और इसमें बॉईल करे हुए छोले ऐड करें। छोलों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करें। मैंने यहाँ पे चाय पत्ती का पानी लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चाय पत्ती के पानी से छोलों का कलर बहुत ही सुंदर आता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। 1 ग्लास नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। पानी अब आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 4 से 5 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चार से पाँच सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे और प्रेशर रिलीज होने का वेट करेंगे। प्रेशर रिलीज हो गया है, कुकर खोल के देखेंगे। देखिए, छोले बनके हमारे तैयार है। इसमें हम ताज़ा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे।
छोलों का टेस्ट बढ़ाने के लिए लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और बीच से कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। छोला मसाला ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप इसको चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।